नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। गुजरात के राजकोट से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक दादी ने पोते की चाह में 19 दिन की नवजात पोती की हत्या कर दी। शनिवार को पुलिस ने आरोपी दादी शांता रयानी 60 के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। राजकोट के गोंडल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शांता अपनी बहू संगीता से इस बात को लेकर नाराज थी कि उसने फिर से लड़की को जन्म क्यों दिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा, संगीता ने एक बार फिर बेटी को जन्म दिया था, वह खुश थी और उसने बेटी का नाम किंजल रखा था, पर बेटी के जन्म से उसकी सास शांता बेहद नाराज थी और उसने नवजात की हत्या का निर्णय लिया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले जब नवजात किंजल लगातार रो रही थी, डॉक्टरों ने उसे सोने के लिए एक सिर पिलाने के लिए कहा था। गुरुवार को जब संगीता और उसके पति बाहर किसी काम से गए थे, दादी शांता ने सिर्फ में जहर मिलाकर बच्ची को दे दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, पुलिस के मुताबिक बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसके माता पिता उसे पहले तो स्थानीय अस्पताल में ले गए, पर वहां तबीयत और बिगड़ी तो उसे राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। उधर डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में पाया कि बच्ची की मौत जहर से हुई है। शुरू से दादी पर था शक, अधिकारी ने आगे बताया। बेटी के पैदा होने पर बहू से नाराजगी के कारण हमारा शक शुरू से ही शांता पर था। जब हमने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शांता ने पुलिस को बताया कि वह पोता चाहती थी, लेकिन बहू ने दोबारा पोती को जन्म दिया, इसलिए उसने उसे मार डाला।